हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये सिंपल कुर्ती में डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ऊपर का पार्ट कट कर लिया है और इसमें चुन्नटें भी डाल ली हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने सेंटर का निशान लगा लिया और यहाँ वाली चुन्नटें भी निशान लगा के डाल चुकी हूँ। यहाँ पे हम जो पट्टी का डिजाइन बनाएंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे नेक कटिंग करके और इस तरह से हम पट्टी कट करके अटैच कर लेंगे। ये मैंने पट्टी 1 इंच की चौड़ाई में ली हुई है, तो ये देखिए मैंने यहाँ अटैच कर लिया है। गले को जैसे हम उल्टी साइड में अटैच करते हैं, वैसे मैंने इस तरह से उल्टा लगाया है इसमें, ताकि हम इसमें लेस लगा सकें। और लेस किस तरह से लगेगी ये देखिए, यहाँ से हम अंदर की साइड में इस तरह से लेस को लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। इससे क्या होगा कि ये सिंपल सूट का भी लुक बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए एक साइड में मैंने ये लेस लगा ली है, ये देखिए। ये ऑल ओवर सूट था, तो ऑल ओवर को मैंने कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड में पट्टी अटैच कर दी है, और पट्टी अटैच करने के बाद आप यहाँ लटकन वाले बटन लगा सकते हैं या सिंपल बटन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बटन ही लगाए हैं और नीचे की साइड में यहाँ पे लेस लगा दी जहाँ पे हमने पेटी को कट किया था। तो इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए मैंने स्लीव में भी लगाई है और यहाँ मैंने बटन भी अटैच कर दिए हैं। इसका लुक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके चाक पे भी मैंने ये वाइट लेस लगाई है। ये देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल सूट को हमने कुछ डिजाइनर टाइप का बना दिया है, और यहाँ पे पीछे लटकन भी लगाई है। तो आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बाय फ्रेंड्स।